शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो रोहिणी का टेंडर भरा जा रहा है, तुझे पता नहीं रोहिणी का टेंडर सिर्फ एक ही आदमी के नाम से खुलता है? वक्त तो बदल रहा है तो चीजें तो बदलेंगी। तू या तो बहुत बड़ा मूर्ख है या बहुत ज्यादा श्याणा। मूर्ख आदमी के सामने आके आप ऐसे तो बैठोगे नहीं, बाकी मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? मार दिए जाओगे यहीं के यहीं। ऐसा है जनाब, सतपाल चौहान नाम है मेरा, पृथ्वीराज चौहान के वंशज। बंद आंखों से तीर चलाने वाले आज भी कई होते हैं हमारे यहां, और मेरी आंखें तो भी सही सलामत है। आप ही सोचो क्या होगा। ओ, आप यहां कैसे नेताजी? आपको एक नसीहत देनी थी। शेर तब तक अपने कुनबे में रहता है जब तक मिल बांट के खाता है। साथ रहना है ना तो ये आदत डालनी पड़ेगी, वरना इलाका छोड़ दो। धमकी दे रहे हो? ज्ञान ना ले रहे हो सीख से तो फिर धमकी ही समझो। अगर दोनों ना लें तो फिर जो करना है पुलिस करेगी। मैं तो सिर्फ पेंडिंग केस उठाऊंगा तुम्हारे। एक बात आप भी याद रखें नेताजी, ये जो बब्बर शेर होता है ना, या तो ये खुद मर जाता है या मार देता है, मगर अपना इलाका नहीं छोड़ता। अब देख लो, दोनों ऑप्शन तो पता ही हैं आपको। थैंक यू नीता जी, थैंक यू। अरे तुम यहां कैसे? बस पता चला अपना एक दोस्त मुसीबत में, तो चले आए। देख ना ऊपर ना बांध ले बेटा। भाई एक बार छोरे देख। ओ कब तक खत्म होगा? और जल्दी जाना यार। चाचू ये भी विदाई वाले सामान के साथ रखवा दूं क्या? ना मेरे सिर पे दर्द है तो और कहाँ रखेगा तू? हैं इतनी भी अकल ना है तेरे को? रे 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 बालको लड्डू नहीं ठाकर बेटा, रे डट जा। कहाँ मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए? अरे क्यों डांट रही है बिचारों को? आज तो सबको अपने अपने लड्डू की चिंता है। देख हमारी लाडो की गाल कैसे फूले जा रहे हैं। मेरी दादी कहती है जिस लड़के की मेहंदी जितनी लाल हो उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है, और जिसके गाल भी लाल हुए जा रहे हैं उसके उसे तो समझो खजाना मिल गया। हाँ जी,
बस कुछ ऐसा ही समझो। सीमा के भाग बहुत अच्छे हैं, लड़के में लेश मात्र भी दोष नहीं है, ना पीने में, ना खाने में, ना रहन सहन में, ना चाल चलन में। जी वाह। ऊपर से अच्छा कुल खानदान है, अपना फलता फूलता कारोबार है दिल्ली में। आप भी लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब स्टाइल पुराना होगा, इस बार ना हम वो नया करेंगे, वो चांदनी डांस। मेरे हाथों में नाना चूड़िया रे, तो सीमा को भी सिखा दे। अब क्या क्या सिखाऊं सीमा को, अब हर चीज थोड़ी सिखाई जाती है, कुछ चीजें तो आदमी खुद ही सीख लेता है। शादी वाले दिन तो जीजा पे सिर्फ सालियों का अधिकार होता है, आज तो मैं जीजा को एक पल नहीं छोड़ने वाली। हाँ हाँ, तू चिपक जाना जॉब की तरह आते अपने जीजा से, लगता है इस साल तेरा भी निपटारा करना ही पड़ेगा। और ये क्या, तुम यहाँ चिपकन चुकी में लगी हो, नीचे हम थाप पर थाप दिए जा रहे हैं, आओ जल्दी आओ। अरे देख, लगता है यही है।
पटाखा तो फुस हो गया। काम पूरे ना हो रहे, मैं देख के आज गांव में तीन तीन शादी है, कई सा ना हो के दूल्हा की अदला बदली हो जाए। और हमारे टाइम में तो ऐसा होया भी है। अच्छा फिर क्या हुआ? ओना के था जिसकी शादी जिसका गैल होगी सो होगी, फिर खत्म कहानी। अरे निशा देख बारात आ गई। यो है अपनी बारात। राम राम समी जी। राम 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 स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा बेटा नमस्ते। अरे यो कैसी बारात हुई, ना बैंड ना बाजा ना घोड़ी ना सहरा। देख तो सही बराती भी तो गिन के 10 ही हैं। हाँ। बरातियों से नहीं होने की सीमा की शादी जो तू इतना परेशान हो जा रही है। पर इनमें से समझ भी तो आवे। हाँ। कि दुल्ला है कौन है तो। और आने में कोई तकलीफ तो ना हुई? ना जी। भाई एक बात बुझू? आप पूछो जी। बुरा तो नहीं मानोगे? कोशिश करेंगे। ब्याह है रौनक होया करे, घोड़ी बैंड बाजा ढोल ताशा, आप 10 मानस लेकर आए हो। वो ऐसा है जी के हमारे घर में ना श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हैं। अब पैदा हुए हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। बड़का की दाम मानो हो। ना प्यार मानना सा। अरे ताऊ जो आपको नाच गाने और ढोलता से की इतनी कमी खल रही है तो जनरेटर थोड़ा इधर खिंचवा लो, हम तो उसकी धुन पे भी नाच लेते हैं। चुप करो बड़को। अरे आप कहा इनकी बातों में आ रहे हो, आप पंडित जी को बोलो तैयारी करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ जय मंगलम पंडिताश्च मंगलायतनो हरि ओम पय प्रतप्याम औषधि पयो दिव्यंत्रोपयोदाः पृष्पतः प्रथम सन्तु मे हम। ओम अग्निदेवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता आदित्य देवता मर्तो देवता। अरे वीर जा जाके उस फोटोग्राफर को ले गया, देख किसी कोने में पड़ा होगा। मैं क्या कह रहा था, रहने दो जी, जरूरत नहीं है। क्यों? बाकी सारी चीजें तो हमने किसी तरह समझ ली, पर शादी में फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई जी। जी इनकी बात हजम करने के लिए तो पूरी की पूरी पाचक फाकनी पड़ जाती है। इतनी आसानी से नहीं हजम होने वाले है। ये तो जो कहते हैं बस मान लीजिए। अरे ऐसे कैसे मान ले, खाना पानी तो लेते होंगे ना आप? हाँ वो तो ले लेते हैं। ऐसा है जी, अब मौका तो दो फिर दिखाएंगे। हम खाते भी हैं और बड़े प्यार से खिलाते भी हैं। हाँ चल ठीक है ठीक है। हाँ मैं तुझे बता रहा हूँ, जो कल वाला काम है ना वो जाते ही कंप्लीट करना है जानकी। बेटा सुरेश तुम सत्यपाल के साथ आ जाओ इसी गाड़ी में और हम लोग पीछे मारुति में आ जाएंगे सब लोग। ठीक है ठीक है। चलो निकलते हैं भाई, फिर दिल्ली मिलते हैं। चल भाई सारा काम निपट गया ठीक ठाक। अशोक घर की साफ सफाई देख लियो। चिंता ही नहीं उसकी, घर साफ ही नहीं सजावा भी मिलेगा। चल 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 मिलते हैं भाई। सुरेश जी इन सामानों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं। माफी चाहूं जी पर यो सामान हम नहीं ले जा सकते। ठीक है मैं पीछे दूसरी गाड़ी से भिजवा दूंगा। कोई जरूरत ना है जी। समझा नहीं मैं? ऐसा है जी आपकी बेटी की जिम्मेदारी अब मेरी है, जो सामान आप रख लो किसी और के काम आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, खाली हाथ कैसे भेज दें? ब्याह के जा रही है बेटी, कोई मेला देखने तो जा नहीं रही है। आप बस आशीर्वाद दो उसका जीवन मेरे जैसे ही हो, हंसते खेलते मौज मस्ती में। राम राम जी, चलता हूँ। जीते रहो खुश रहो। Oh, 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 oh
पानी की बोतल है तेरे पास? हाँ है, ले। पी लो, अच्छा लगेगा। वैसे रोया तो तू भी कम ना है सतपाल। क्या बात कह रहा है, मैं कितना रोया था? ना तो क्या मैं रो रहा था, कोकोनट है तू, बस ऊपर से ही सख्त दिखे, अंदर से बिल्कुल नरम है। भाभी भूख भूख लगी हो तो बता देना, थाल भर के लड्डू रख रखे मैंने गाड़ी में चुरा के। भाई तुझे भी चाहिए तो बता दिए, आराम से चला ले भाई, क्यों झटके दिन लग रहे हैं। लो आगे आगे, यो आगे अपना गांव। भाभी घना मॉडर्न लग रहा है ना। भाई रोक ले, आजो आजो सारी आजो। अरे जीता रहे जीता रहे, आओ बेटी आओ। चाचा घुटने तो ना जा मुली मरुति में। अरे नहीं, सुंदर को कहा था इस सब भूल ले लिया, भूल गया बताओ। पहली बारात होगी ताऊ की, सूखा गया सूखा ही आ लिया। मैं क्या करती थी ना, तन्ने चांद जैसी बहु मिलेगी तू माने नहीं था। आ बेटी, हाँ यो ही तेरा घर है, मन्ने तू अपनी माँ ही समझ। अरे सुरु सतपाल, ये देख बेटी, ये लो जी। बेटी जीतन को नहीं देना आज। ए रोली तो नहीं कर गया तू? सत्ता जीत रहा है, यो पिता जी हैं, जीत रहा है, यो ताऊ जी, खुश रहो बाबू, जीती रहो बेटी, जुग जुग जियो बेटा, दूधो नाओ पुत्तो फड़ो, ठीक से रहना वहाँ, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो खबर भिजवा देना। देख बेटा, अच्छी माँ हर बेटे के नसीब में होवे, पर अच्छा बेटा हर माँ के नसीब में नहीं होता। इब तक तू अच्छा बेटा था, दोस्तों का दोस्त, भाइयों का भाई, पर इब तन्ने अच्छे पति की जिम्मेदारी भी निभानी है, एक दूसरे की ताकत बन के रहना है? जाओ इब, चल जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। आजा बेटी, चलता हूँ जी, राम राम। ध्यान से, हाँ ध्यान से जाइए बेटे। हाँ चलो बैठो, थोड़ा मुस्कुरा। राम राम, पहुँच के खबर कर दिए। हाँ चल, ये भोले बाबा सब सुख रखिए। चल भाई, सब ठीक ठाक निपट गया। कॉलेज के बाद ना, कहने को तो मैंने गांव छोड़ दिया था, पर रिश्ता कभी नहीं तोड़ा यहां से। आज भी हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाता हूं। पहले दूरी खड़े थी, आज दिल्ली आ गया, पता ही नहीं चला। लगता है। भाभी कितनी देर लगा दी आने में, हम लोग पता है कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। आओ बेटा आओ। नमस्ते आंटी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये हमारी दूसरी मम्मी, खुश रहो बहू। दिल्ली वाली अशोक की माँ, ये भाभी और ये पिंकी। कितनी सुंदर है ये। सतपाल तुम बहू नहीं परी लेके आए हो। अरे माँ नजर मत लगाओ मेरी भाभी को तुम। हाँ जी। ये लो बेटा, ये बालियां तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। ओफो माँ, ये लेना देना आप कल भी कर सकती है ना, देखो तो भाभी कितनी थक गई हैं, मैं उन्हें अंदर लेकर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ये अशोक नहीं आया अभी तक? आजकल बहुत देर हो जाती है ऑफिस में, काम बढ़ गया है और स्टाफ उतना ही है। भैया देखो ना भाभी को क्या हो गया। क्या हो गया? अरे पिंकी, अब मैं सुबह आकर पूछूंगी कि क्या हुआ। जा रहे हैं हम सब लोग और खाने पीने का सारा सामान अंदर ही है। गुड नाइट। ये पिंकी ना,
बड़ी बदमाश है। तुम्हें पहले किसी ने बोला है क्या कि तुम हंसते हुए और भी अच्छी लगती हो? आपने शादी में फोटो क्यों नहीं खिंचवाई? उस टाइम तुम हंस नहीं रही थी ना, इसलिए मना कर दिया। अब तो साथ जीने मरने की कसम खाई है ना, फोटो भी खिंचा लेंगे। पर वो शादी के फोटो नहीं होंगे ना? तो दोबारा करा लेंगे शादी। क्यों? आप रहन दीजिए, मैं कर देती हूँ। क्या हुआ? दिल्ली का खाना पसंद नहीं है क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है जी। हैं? नहीं। याद है माने के कही थी आते वक्त कि मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, भाइयों का भाई। वो इसलिए है कि मेरा जो सामाजिक दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है। इसमें तरह तरह के लोग हैं और सब अपने हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग तुम्हें पसंद ना आए, पर इनका कभी अपमान ना करियो। तुम्हारे कहने से मैं उनसे रिश्ता तोड़ तो लूंगा, पर फिर तुमसे भी नहीं जुड़ पाऊंगा। तुम्हें मेरी ये बातें बोर तो नहीं कर रही हैं? आप कहीं जा रहे हैं? मने काम पे जाना होता है ना। 5 मिनट रुकिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नहीं मैंने नाश्ता खा लिया है, तुम्हारे लिए भी बना दिया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे सोते हुए को जगाना अच्छा नहीं लगता। 11 बजे पिंकी आ जाओगी, वो तुम्हें मार्केट ले जाएगी। घर के लिए कुछ चाहिए हो तो ले आना। जी चलता हूँ, संभालो अपने घर को। चाय देखने घर में। अरे ये बोरियां ऐसे कैसे फेंकी हुई हैं? सर वो है? आज लेबर थोड़ा कम आया है सर, इसलिए थोड़ा। आप क्यों उठा रहे हैं सर, कल उठवा देंगे ना सर। सर जानते हैं सर आपको साफ सफाई कितना पसंद है सर। लाओ सर। सर हम कर लेंगे सर। सर वो अब इतने साल हो गए सर आपके साथ काम करते हुए, तो जानते हैं आज थोड़ा लेट हो गए सर। सॉरी सर। कोई बात नहीं। चल पिंकी, बहुत शॉपिंग हो गई, घर चलते हैं। भाभी बस 5 मिनट, पक्का पक्का। यहाँ की रसमलाई ना वर्ल्ड की बेस्ट रसमलाई है, एक बार खा कर देखो, आपको पक्का बहुत पसंद आएगी। कोई रसमलाई नहीं, मैं थक गई हूँ, अब घर चलो बाबा। क्यों, रात को सोई नहीं थी? नहीं, पूरी रात पाठ याद कर रही थी। पाठ? मतलब? तू अपने भैया को जानती है ना? तेरे भैया अभी मुझे पहली कक्षा तक लेके गए हैं, आज दूसरी कक्षा शुरू होने वाली है। ओह, ऐसे तो लगता है इम्तिहान होने में 7-8 महीने लग ही जाएंगे। हाँ, भाभी कम से कम। Thank you.
आप रात में कब आ गए पता ही नहीं चला। एक चाबी मेरे पास भी है। कल लेट हो गया था ना, इसलिए बेल नहीं बजाई। तुम आज जल्दी उठ गई? जी कोई भूखे पेट कब तक सो सकता है? भूखे पेट? मुझे तो लगा कि पिंकी के साथ बाहर कुछ खा लिया होगा, किचन में भी कुछ नहीं था। आपका इंतजार कर रहे थे, आप आते तो हम गरम गरम रोटियां सेकते। वैसे इतना खड़का तो किया था मैंने कि तुम्हारी चाक खुल जाए, पर वैसे तुम उठ गई थी तो मुझे भी उठा देना था। हमें भी सोते हुए को उठाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लीजिए। मेरा काम ऐसा है कि देर सवेर हो जाए करेगी, पर सवेरे की चाय तो हम साथ पी सकते हैं। सतपाल, ओ सतपाल, सतपाल, भाभी को अचानक दर्द उठा है, जल्दी चल, आ जल्दी बैठ, चल 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 चल, महेंद्र, मैं आया। भाभी को लेके गए। सतपाल चौहान, बधाई हो, बेटी हुई है। कुछ देर बाद आप माँ और बच्चे दोनों से मिल सकते हैं। इसको गोद में लीजिए, इसका एहसास आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भासते ॐ दशप्रति भ्याम नमः स्वाहा। इस प्रकार आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ। हाँ, आजा 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 मेरा बच्चा। छोरी के चेहरे पे कितना तेज है। दीप्ति नाम कैसा रहेगा इसका? दीप्ति बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत ही अच्छा, अच्छा है। मेरी दीप्ति, कैसा लगा नाम? है? सिर्फ नाम रखने से ही कुछ नहीं होता, वंश तो बेटों से ही जमता है। ला मुझे दो, ला ला, आजा 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 मेरा प्यारा बेटा। अगर बेटों से ही वंश चलता ना तो धृतराष्ट्र 100 बेटे होने के बावजूद भी निर्वंश नहीं मरता। ये तो बेवजह बहस करने वाली बात हुई भाई साहब। ऐसा है माँ जी, जमाना बदल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, जिस आत्मा ने हमारे जीवन में आना था वो आ गई। चौकियाँ हम माता की रखते हैं, बेटियों से हमें दिक्कत है, क्यों जी? वही तो आंटी, ये बेटा बेटी वाली बात सिर्फ कहने के लिए रह गई है। आप तो इतना बताओ कि बेटी को बेटी होने के गम में घर में खाना पीना तो बंद नहीं कर रखा है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, लक्ष्मी आई है घर में, चलो छोरो, अरे छत पे पूरा इंतजाम है खाने पीने का, चलो आ जाओ। मतलब मर्द पहले खाएंगे और औरतें बाद में खाएंगी? ये भेदभाव अभी भी रखना है, इसे खत्म कर दें भाई, अभी तक तो यही रिवाज है। पर तन्ने शौक है हमने पहले खिलाने का, तो हिस्सा कर लो, हम तैयार हैं। ये हुई ना अपनी माता वाली बात। इस लक्ष्मी ने एक रिवाज बदल दिया। आते ही
लो भाई। जी करो। अशोक ताऊ जी का पता करो, यू काम ना है, दिल्ली है। सीमा ऐसा है भी मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो। आ रही हूँ जी। बस 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 बस। हेलो, हाँ अमन, हाँ तो ऑफर डबल कर दो, हैं? वो छुपाते वो हैं जो गलत करते हैं। मैंने तो कोई गलत नहीं करना। चोटी? ठीक, हाँ। चलो बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो। ठीक है। ये कल से ज्यादा नहीं हो गया? अरे नहीं जी, कहीं नहीं, उतना ही है। आप जाओ ना, कोई बात नहीं। तुम रेडी हो जाओ, मैं डॉक्टर के लेके चलता हूँ, काम पे बाद में जाऊंगा। जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ है, कोई इतना नहीं बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम जाओ जाओ, मैं लेके चलता हूँ डॉक्टर के। अरे रे रे रे, जल्दी करो। इधर बैठ जा, ध्यान से रहना। चौहान साहब, सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों जी? इनके जो सारे सिम्टम्स हैं वो लो प्लेटलेट्स के हैं, तो इसलिए इनकी 24 आवर मॉनिटरिंग करनी होगी। एक काम करते हैं, टेस्ट करा लेते हैं फिर घर चलते हैं, कुछ होगा तो आ जाएंगे। सीमा, डॉक्टर साहब हमारे भले के लिए बोल रहे हैं ना, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिफ्ट करो जी। आप रुकिए रुकिए, आप ये दवाइयां ले आइए।
जो कभी सर्दियों में धूप सी थी, गर्मियों में छांव सी मौजूदगी तेरी कहाँ गई। वो पतझड़ के मौसमों में एक हरियाली सी जो लाई थी, वो बारिशें कहाँ चली गई। अब आंखें मेरी तुझे ढूंढा करे, तू मिले ना अगर तो ये रोया करे। फासले ये कम करूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। फासले ये कम करूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। मेरे माथे पे सिलवटे जो है आके इन्हें मिटा दो ना, आंसू मेरे भटकते फिरते हैं आके इन्हें पना दो ना। कुछ कमी सी है कुछ नमी सी है, आंसुओं से भरा हूँ मैं बंद तेरी ये आंखें जब से है। सांस रोके खड़ा हूँ मैं, सांस रोके खड़ा हूँ मैं। जख्म को तेरे भरूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। जिन दीवारों को साथ में मेरे मिलके तूने सजाया था, उन दीवारों पे रंग ही नहीं जो कभी तेरा साया था। मेरे आंगन में एक हंसी तेरी जब कभी भी खनकती थी, गम सभी दूर होते थे मेरे, सारी खुशियाँ महकती थी, सारी खुशियाँ महकती थी। साथ में हर दम रहूं मैं किसी तरह, दर्द में मरहम बनूं मैं किसी तरह। फीवर अब स्टेबल है, इसको इमरजेंसी में लेकर नहीं गए? क्या था जी, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए कोई दवाई लेकर आती हूँ। आपको अपना भी ख्याल रखना है, ठीक है? बीमार नहीं पड़ना है। खत्म होने वाली है, लाओ बीबी को मैं फीड करवा देती हूँ। आज हॉलीडे है, आप स्टाफ रूम में जाकर सो जाओ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आज कोई नहीं आने वाला, मैं इतना टाइम हो गया, किसी को फैमिली से बुला क्यों नहीं लेते? ऐसा है जी, कोई आ गया तो
मेरा हौसला टूट जाएगा। आपका तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। जाओ थोड़ी देर सो जाओ। सतपाल कहाँ जा रहा है? रुक जा रहे। मैं ठीक हूँ माँ। तू रुक। थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई नहीं कि लग गया कूदने। रुक। तू रुक जा रहे। रब पकड़ रहे इसने। रब पकड़। ये होगी 6 बोतल। अरे के होया? आज फिर के करवा आयो? अरे ये तो रोज कुछ ना कुछ करा के आवे। बस रोज है। अरे कुछ नहीं होता। बस पहुंच गए। बस बेटा बस। जल्दी आई छोरे देख के। हां आ जा भाई आ जा। इतने तू आ जा। आ जा फिर। चल छोड़। अरे माँ क्या हुआ इसे? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी चोट लग गई। दिखा ना। दिखा। मुझे दिखा कैसे लगे चोट? अरे चाचा वो खेल खेल में लग गई। अरे गिलास उठा ला मेरा दारू का, अभी धो देता हूँ उसको। कहीं ना जाना तने। चलो तुम लोग बाहर खेलो। जाओ आ जाओ जी। अरे दुनिया में सबसे अच्छी दवा है ये। ज्यादा डॉक्टरी ना झाड़ो, जो करना है बाहर जाके करो। पर मैं इसके खून से उस चीज की एक बूंद ना लगन दूंगी। कुछ नहीं। इधर। अरे इसकी रगों में भी तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है। अच्छा मन दे दे इसको, तू जल्दी कर ले बनाते। तम जाओ मैं कर लूंगी। अरे पकड़ी तो रहा हूं, उसमें भी दिक्कत है। है दिक्कत। तमने मालूम है ना, मांस मदिरे की बदबू से इसका जी मिचलावे। चल ठीक है मैं जा रहा हूं। जा। ले पी ले, हल्दी वाला दूध है, इससे तेरा जख्म भी भर जाएगा और भीतर ताकत भी आवेगी। माँ ये लोग रोज झगड़ा क्यों करते हैं? अक्ल पे पत्थर पड़ गए इनके, दारू पी के अच्छे बुरे की समझ को नहीं रहती। अगर ये इतनी बुरी चीज है तो पापा क्यों पीते हैं? माँ बुरी चीज छोड़न खातर हिम्मत चाहिए बेटा। जिसने इसकी आदत पड़ जाए वो इसका गुलाम हो जाए। शरीर का नाश तो हो गई है, आत्मा भी मर जाए। आ गया तू? रोटी खाई के? खाली। अगर और भूख है तो खा ले मेरे घर। कौन? थोड़ी सी। चल सो जा। सो जाता हूँ। भाई और बहनों, कल शहीद दिवस है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उस शाम को वो लेलिन की चीवनी पढ़ रहे थे। अगर ये तीनों इतने अच्छे थे तो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी क्यों लगाई? का नामो निशान नहीं था। कल शाम को शहीद दिवस पर हमारा खास प्रोग्राम 7 बजे सुनना ना भूलिए। सो जाता हूँ। अरे बेटा सुन, तेरा स्कूल जाना जरूरी है के? पढ़ना तो रोज ही चाहिए ना। ओ बात तो ठीक है, लेकिन आज ना मैं घर पे अकेला हूँ। अगर तू रुक जाएगा तो मैं खेत आऊंगा ना। अगर आज मैं पढ़ लूंगा ना तो कल यहाँ 10 लोग काम कर लेंगे। एक बात बता मेरे को, तू पैदा ही बड़ा हुआ था के? किससे सीखा है सब? माँ से और गुरुजी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? जैसे रोज खाना है ना वैसे रोज पढ़ना भी चाहिए। जय हो। जा मेरे बाप तू पढ़ाई कर ले। मेरे को लग रहा है तू इन चीजों के लिए बड़ा ही नहीं है। नहीं जा। ये तो काम सब हमारे जिम्मे है।
नमस्ते बालकों, कल जो हमने पाठ पढ़ा था वो समझ में आया कुछ? नहीं आया? अच्छा, उसका मतलब है कि अपने कर्म के खातर, अपने सम्मान के वास्ते, अपनी मर्यादा के लिए अगर हमें अपनों से भी लड़ना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। 23 मार्च, कोई बता सकता है कि 23 मार्च वाले दिन क्या होया था? जी गुरुजी। हाँ सरिता बेटा, तू बता। गुरुजी, आज सुबह बस ऐसा चाचा की भैंस को बच्चा हुआ था। अरे छोरी, मैं तो इतिहास की बात पूछ रहा हूँ और तू पड़ोसियों की खबर सुना रही है बावली। हाँ बेटा बज्जी, तू बता। गुरुजी, 23 मार्च को ना भगत सिंह को फांसी हुई थी। शाबाश, बिल्कुल ठीक। गुरुजी, भगत सिंह तो बहुत अच्छे आदमी थे, फिर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी क्यों लगा दी? क्योंकि अंग्रेज हमें हमेशा के लिए गुलाम बना के रखना चाहते थे। गुरुजी, आदमी नशे का भी गुलाम हो जाता है। हाँ बेटा, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिर आदमी नशे क्यों करता है? बेटा, जो लोग कमजोर होते हैं ना, जिनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, वो लोग नशा करते हैं। अच्छा ठीक है, कल हम कुछ और क्रांतिकारियों के बारे में बातें करेंगे। चल रही सारिता, के होया आज भूख नहीं लग रही? नहीं, आज पेट में दर्द है। ये भिंडी ले ले, मुझे पसंद नहीं है। आज सुबह तो चाची से लड़के बनवा रही थी। सवेरे मन था, अब नहीं है। ये ले, तू खा ले, माँ कहती है भिंडी खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कल बापू ने माँ को फिर मारा। क्यों? क्यों क्या, कल फिर भी ली होगी इसके बापू ने? कल ना हम सब चलेंगे इसके बापू के पास। पल ना तू अपने बापू ने तो मना ले, मने बहुत बुरा लग गया है जब सब लोग तेरे बापू के बारे में बुरा बुरा कहे। से भाई मेरा गिलास दे दे। हाँ ले भाई अपना गिलास। क्या हो गया, क्या हो गया तन्ने? बहुत कुछ ना कुछ होया रहे है इसके तो। कर ले बेटा। क्या हो बेटा, ये उल्टी क्यों कर रहे? बाजू लाश चढ़ा रखी है ना चूल्हे पे, उससे आग लग रही है उल्टी। कितनी बार कहा है इसकी तबीयत खराब हो जाए, पर तुम मेरे बेटे ने मार के छोड़ोगे? कैसी बावली बातें कर रही है तू? सही कहूं मैं? ले बेटा। अरे रामफले, यो पतीला उतार दे। अभी के अभी बाहर जा। ठीक है भाई। अरे के होया, बहू ने रोक दिया के? अरे भाई साहब, कुएं के पास बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? स्वाद कम हो जाएगा के? स्वाद तो कम को नहीं होगा, पर जो इसकी खुशबू तो मौसम बनना था ना, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है बेटा, आ जा मेरे पास। छोड़ दो मुझे, मैंने आपसे बात नहीं करनी। क्यों बेटा, बता। कहा ना मैंने आपसे बात नहीं करनी, आप कमजोर हो। अरे किसने कह दी मैं कमजोर हूँ? आप एक गुलाम हो। कौन कौन समझा रहा है सारी बातें इसको? बेटा कौन कौन समझा रहा है तेरे को सारी बातें? आप शराब छोड़ दो ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब स्कूल में मेरे को सारे ताने मारते हैं। यो के मांग रही हो बेटा तुम? अरे जयसिंह, रोटी से कर लगा के? इन्होंने तो
हाँ सेक रहा हूँ रोटी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो क्यों होनी थी, पर इस धोती में अच्छा कोई नहीं लगता, बहू का घाघरा पहन ले जच जगा। सुनो जी रहन दो, बोलन दो इन्हें, आप अंदर आ जाओ। येलो जा जा बेटा। बोलिए ना मेरी बात मानोगे आप, बोलिए ना बोलिए। जा बेटा छोड़ दी आज से, यूं ही नहीं पहले मेरी कसम खाओ। बेटा मैं भी कर्ण की धरती का क्षत्रिय हूं, बोल दिया सो बोल दिया, कसम है तेरी आज के बाद मांस और शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पता नहीं कहाँ थी दुर्ग पे, अगर कहीं पर काम के खेत पे गया है तो उसने देखा कि कुएं में बहुत पी रखी थी रात। इतने नशे में ना होता तो छोटी सी बात पे कोई कुएं में कूद के जान देता है क्या? ए बेबे यह बीमारी तो दिन पे दिन फैलती जान लग रही है। I'm not afraid of the dark.
पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं है, 10,000 से नीचे हैं प्लेटलेट्स, और ये तो तब है जब हम प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं। नो इम्प्रूवमेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली चौहान साहब, आपकी वाइफ के केस में स्प्लीन ने उल्टा फंक्शन करना शुरू कर दिया है। देर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है क्या डॉक्टर साहब? मैंने कई सीनियर डॉक्टर से सलाह की है, नो अल्टरनेटिव, सर्जरी इज रिक्वायर्ड। कोई खतरा तो नहीं होगा इसमें? एक्चुअली ऐसे केस में 100 में से बस 3 ही मरीज बच पाते हैं। कब करना चाहोगे जी सर्जरी? कल ही करते हैं। कल कैसे हो सकता है? कल तो हमारी दीप्ति का जन्मदिन है। आप मुझे एक बार घर लेके चलिए जी, हम सारा दिन दीप्ति के साथ बिताना चाहते हैं। ले चलोगे ना? मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। घर का क्या हाल बना रखा है जी, सफाई का मौका ही नहीं मिला। तुम चलो कमरे में, मैं कर देता हूँ सफाई, चलो। अरे मैं बैठने थोड़ी ना आई हूँ। अच्छा जी, एक काम करो, अरे मैं दीप्ति के लिए केक ऑर्डर कर दो। हाँ मैं कर देता हूँ, तुम कमरे में चलो। हाँ अमन, हाँ घर पहुंच गया। ये बेकरी से केक लेता हुआ, दीप्ति का बर्थडे है। चल सीमा, ये क्या करने लग गई तुम? कुछ नहीं, ये कबर्ड की चाबी है, आपके बैंक के पेपर रखे हैं इसमें, बाकी के पेपर्स यहाँ रखे हैं, यहाँ से उठा लेना। आपके ट्रैक्स यहाँ रखे हैं, यहाँ शर्ट सारी इस कॉर्नर में, बाकी के सॉक्स यहाँ रखे रहते हैं। सीमा पता है मुझे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुनिए तो सही, कहाँ रखे हैं ये? कुछ पैसे मैंने घर से बचा के रखे थे, हमारी दीप्ति के लिए एक सोने का कंगन बनवा देना, बाकी बचे हमारे भाई को दे देना। ये क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? के काम का आपको पता नहीं होता, आप बाहर इतने बिजी रहते हो। मेरी छत पे तुलसी है, सूख ना जाए उसे पानी देते रहना। अरे तैयार हो जाओ, लोग आने वाले हैं। केक आया कि नहीं आया? आते ही होगा। मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी तैयार हो जाओ। बेबी को पकड़, बेबी को पकड़। सीमा, सीमा, एमरजेंसी सिचुएशन है चौहान साहब, ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा।
मैं ब्लड अरेंज करवाता हूँ, बाकी सब बाद में देखेंगे। जल्दी कीजिए, आइए। ऐसे ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ यार। भाई बोल रहा सबको। भाई तू परेशान मत होना, मेरे ऑफिस के दोस्त भी आ रहे हैं। हाँ भाई, गांव से भी कुछ लोग आ रहे हैं, सब हो जाएगा। चल हम लोग भी खून दे के आते हैं। आ जा। डोंट वरी। आइए। इन कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो तुम, जल्दी वापस आ जाना। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं दे पाई। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मुझे हकीकत पता है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा सबके साथ नहीं होता। कुछ नहीं होगा तुमको, डरो मत। मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे सिर्फ आपकी चिंता है। मैं जानती हूँ मैं बचने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तुमको। आप मुझसे वादा कीजिए, आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेंगे। जो आपका ख्याल रखेगी और हमारी बेटी को माँ जैसा प्यार देगी। सॉरी सर, बट डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। अपना ख्याल रखना, मेरी बातों को भूलना माँ जी, टिक्का मेरी याद आते रहना। नीति और अनीति इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। कौन सी अनीति? कैसी अनीति की बात कर रहे तुम? अरे रुको। नहीं मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो अनीति है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई शब्द या कोई आचरण आपका अपमान करे। अपमान तो तू कर रहा है बेटा, अपने बाप का भी और अपने समाज का भी, और वो भी उन दो कोड़ी के मजदूरों के लिए। क्यों ना लड़ूं उन मजदूरों के लिए? आप लोग उनकी खड़ी फसल में डंगर छोड़ देते हो। हमने उनकी खड़ी फसल पर डंगर नहीं छोड़े थे, हमने डंगर छोड़े थे हमारी जमीन पर। वो जमीन हमारी है। जो जमीन हमारे पुरखों ने पंचायत के नाम कर दी थी। पुरखों ने पंचायत के नाम कर दी थी लेकिन रजिस्ट्री नहीं की थी, और जो गलती पुरखों ने की है वो हम सुधारेंगे। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने मजदूरों को जबान दी थी, अब जो होगा कानूनी होगा। हाँ तो लड़ने लड़ाई। सपाल, डरा किसको रहे तू? अरे बस करो। अरे चुप। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इनका समाज इनको अपने ही बेटे से लड़ा रहा है। अच्छा, आज मेरा बेटा इतना समझदार हो गया, दो आखर क्या पढ़ लिए, अपने बाप को नीति अनीति समझा रहे तू? ऐसा है बेटा, तेरे को मैं पाल रहा हूँ। ये क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? तू नहीं पाल रहा हमको, समझा? सतपाल, ये गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। मैं इसी काम में रहूंगा, पर इस घर से मेरा कोई वास्ता ना होगा। सतपाल, अरे जा। नहीं, मैं तने नहीं जान दूंगी सतपाल। नहीं, देखता हूँ कहाँ रहेगा तू। जिद ना करिए, तू तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देवे है। रुक जा सतपाल, देख तने खाना भी नहीं खाया है। अरे कानूनी लड़ाई तो दिन में लड़ेगा ना।
हमारे को जगाया क्यों नहीं है? दूसरों के सुख दुख में तो सबसे पहले खड़ा मिलेगा। जब खुद को जरूरत पड़ रही है तो आवाज भी ना दी गई, ना पराए हो गए तेरे लिए, ना पराए हो लिए। मैं ठीक समझ के हुए ना? कुछ ना हुआ, बस एक आदमी रात में अपना घर बार छोड़कर पेड़ के नीचे अकेला सोन लग रहा है बिना दोस्तों के। बोल रहा है मुझे क्या हुआ, ना तन्ने के लग रहा है? घर छोड़ देने से मजदूरों को गोचरण वाली जमीन मिल जाओगी। घर छोड़ देने से अगर जमीन मिल रही है तो ले हम भी घर छोड़ देते हैं। ऐसा है, या करण की भूमि है, यहाँ अपनों के लिए अपनों से लड़ना ही पड़ेगा। हाँ तो लड़ लेंगे ना, कौन मना कर रहा है। पहले तू मारे घर चल। मैं नहीं जाता कहीं। तो इसी पेड़ के नीचे समाधि लगा हुआ के बात कर रहा है? पार्टी ऑफिस तो चल सके है। पार्टी ऑफिस ठीक है, तो जा मारा स्कूटर ले जा। और ये चाची ने कुछ कपड़े भिजवाए तेरे लिए, जल्दी जा तैयार होकर आ जा, बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। जा। हम सारे आने 2 से 9 तक के पहाड़े तो आते हैं ना, अरे बोलो। जी भैया। ऊपर आम लग रहे हैं के? इधर ध्यान दे दे बेटा। अब मान लो मैं तेरे से पूछूं 32 का पहाड़ा बता, तू 65 का बता। ना सर को जान की जरूरत ना है बेटा, बहुत आसान तरीका है। मान लो हमने 65 का पहाड़ा करना है तो पहले 6 का पहाड़ा लिखा, फिर 5 का पहाड़ा लिखा, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10। शाबाश, 12 और 1 जोड़ो कितना हुआ? 13। और ये 0 ऐसा का ऐसा यहाँ लगा दिया तो 65 × 2 = 130। शाबाश, समझ में? तो बहुत आसान तरीका है। अरे बहुत आसान है बेटा, इस तरीके से 10 से 99 तक के सारे पहाड़े चुटकियों में हल कर सकें। पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर दाईं तरफ एक अंक है तो उसमें दूसरा अंक नहीं जोड़ा जाएगा। इब तो सर ना खुजाओगे? जी भैया। ये सब हमारे वेदों में लिखा है, इसे वैदिक गणित कहते हैं। किसी जमाने में हमारे गुरु अपने शिष्यों को इसी तरह पढ़ाया करते थे। आप क्यों नहीं पढ़ाते? ऐसा है, अंग्रेजों ने कई सालों तक हमारे देश पे राज किया और फिर अपना सब कुछ हम पे थोप दिया। किसी क्रांतिकारी की कहानी सुनाओ ना भैया। हाँ हाँ भैया सुनाओ ना। आज मैं आप सबको उन महान क्रांतिकारियों के मन की, उनके चरित्र की बात बताता हूँ। पहली विशेषता, वो सब अपनी मिट्टी से, अपने देश से बेहद प्यार करते थे। उन्हें अपनी मर्यादा पे इतना यकीन था कि वो देश हित में अकेले चलने से कभी नहीं डरते थे। डर क्या है उन्हें तो पता भी नहीं था। आदमी को शक्ति उसके मन से मिलती है। जिसका मन जितना स्वच्छ है, जिसकी आत्मा जितनी पवित्र है, जिसका निजी स्वार्थ जितना कम है, उसमें ताकत उतनी ही ज्यादा होती है। समझे? चलो चलो स्कूल का टाइम हो लिया, चलो 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 चलो। एक और चीज ताकत देती है के? परांठे और भिंडी की सब्जी। ओ मेरी माँ, तू बचपन से मेरे पीछे भिंडी की सब्जी लेके पड़ी हुई, कॉलेज खत्म होने वाला है बिते छोड़ दे। और यही भिंडी खिला खिला कर तुमने मेरा पेट दर्द ठीक किया है, क्यों भूल गए? अच्छा चलो अब खा के बताओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये तो ऐसे कह रही है बाकी दुनिया पैरों से बनाती है। वो तो खाना बनाना कब से सीख गई है? अब तू घर छोड़ के जाने पे आमादा है तो मुझे खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा ना। अच्छा वकील के बारे में बता दिया क्या? ना अभी ना। कैसी लगी मेरे हाथ की भिंडी? तू हाथ में कुछ पहन के बनाया कर। क्यों? तीखी हो जाती है। बोलो ना कैसी लगी। बजी वकील से मुलाकात हुई? अच्छी खबर नहीं है अपने लिए, संत राम के घर जाना है अभी। राम राम भाई। राम राम। राम राम जी। सत श्री अकाल। राम संत राम जी। सत श्री अकाल। राम राम वकील साहब। आइए पधारिए। संतराम जी प्यास बहुत लगी है, एक ग्लास पानी मिले। आप मारे घर का पानी कैसे? क्यों, पानी का भी कोई जात धर्म होता है बेटा? कुएं का ताजा पानी लाइए। कैसे करें वकील साहब, कोई तो उपाय होगा। अब तो ये पंचायत के ऊपर है कि जमीन गौचरण में रखी जाए या ठाकुरों को वापस कर दी जाए।
कोर्ट भी पंचायत का ही निर्णय मानेगी। देखिए इसका तो बस एक उपाय है, आने वाले पंचायत इलेक्शन में अगर आप ओ नहीं 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 कैसी बात कर रही है तो सही। ऐसा है वकील साहब, आप मुझसे जो मर्जी करवा लो पर ये राजनीति मुझसे ना होगी। क्यों कीचड़ में धकेल रहे हो मुझे? कीचड़ से कीचड़ साफ ना होता जी, आप लोगों को ऐसे काम में आगे आना चाहिए। अरे ए नीरज, तुम पैदल जा रहे हो कॉलेज? बस कित मर गई? के करें, पूरी टिकट के पैसे थे नहीं, कंडक्टर ने आधे में उतार दिया। उतार दिया? या तो घनी दिक्कत की बात है सतपाल। इस समस्या का कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा, क्या कहता है सतपाल? अरे भाई, अरे नहीं नहीं मैं पिता नहीं। अरे कुछ ना होता एक आध बैग से है? वैसे भी आज हमें गहरी चिंतन करनी है भाई। आप कह रहे हैं तो। हाँ भाई अतर सिंह, कैसे याद किया? ताऊ, राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है। वो आपका लाडला है ना सतपाल, चुनाव में हो रहा खड़ा। अरे कहाँ का लाडला, ना कटा के धर दी उसने मारी। भला इनकी खातिर और हमारे खिलाफ खड़ा हो गया? जात पात का ना, धर्म का ना कुछ ख्याल ही नहीं। नहीं 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 मैं नहीं मानता। अरे सतपाल एक समाज सेवी है और राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर उसने चुनाव लड़ा तो क्या तुम उसका बहिष्कार करोगे? बोलो। अब देखते हैं उसकी मंशा क्या है। ताऊ एक बात समझो आप, अगर कहीं भूले भटके उसने पंचायत के चुनाव जीत लिए तो आपकी गौचरण वाली जमीन गई समझो। भाई वो जो करण लागरस है उसमें हमारे समाज का तो भला ही है ना। अरे तो अपने समाज का भला अपने आप क्यों नहीं कर लेते भाई, खड़े हो जाओ इलेक्शन में। ताऊ कुछ भी हो जाए इस आदमी को तो रोकना ही पड़ेगा हमें, इसने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ धरना दे रखा है। त्राताऊ, सुखदेव, विजेंद्र राम और अतर सिंह साथ साथ बैठे थे, थोड़ा देख लिए। मैं देखता हूँ। बहुत पढ़ते हैं यहाँ पे। ले आराम से। वो आ गया, सुरेश भी आ गया। इसके लगे होंगे। दुनिया सुधारने के चक्कर में दुनिया से ही दुश्मनी मोल ले ली। ये दुश्मनी नहीं है, चुनौती है। मंत्री साहब जल्दी कुछ करिए, इन लोगों ने खाना पीना तक छोड़ रखा है। हाँ हाँ कुछ करते हैं। Thank you.
अब तो इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। जीते रहो बेटा, ये बोल भी दो। हो सके तो मेरी बातों को भूल जाना बेटा, क्या करूं, मैं भी दो बातों के बीच में फंसा हूं। एक तरफ हमारा समाज है और एक तरफ तुम हो। इबके मुहूर्त निकलवाएगी, निकाल के लाइए खाने को। तू कुछ ना लाई? इसने कुछ बनाने ही नहीं दिया, खुद ही लगी रही। ये तो फिर भिंडी की सब्जी लाई होगी। आज मैंने गोल गोल भिंडी बनाई है, दस्ताने पहन के। खाओगी तो मीठी लगेगी। क्या हुआ, इसमें भी मिर्ची लगी क्या? निगदू के सतपाल चौहान की ऐतिहासिक जीत, हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को फ्री बस पास मिलेगा। सुन लिया, गर्दन तक आ गई है तलवार अब, हैं? अब थानेदार साहब, आपसे भी कुछ नहीं हो पा रहा। अतर सिंह जी, आप जानते तो हैं मारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, आपको ये सबूत तो पेश करो, फिर तो कानून अपना काम करेगा। सब तो पहले लगाने दे मेनू ये पोस्टर। उधर 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 लगा। ए ले, सीधा नहीं लगा सकता। तू सीधा कर दे ना। जल्दी जल्दी लगा यार, जल्दी जल्दी, सही चिपकने चाहिए। दे होना ला, पकड़ा लगा ले, थोड़ा जल्दी यार, चला ले, बहुत काम पड़ गया। अंदर अंदर मार, ला पकड़ा। अरे यहां पे लगा रहा यार। राम राम चाचा। राम 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 राम। तो भगवान कामयाब करे। ऐसे क्या लगा रहे? देख चाची कौन आया थारा आशीर्वाद लेने। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इसके साथ थे बेटा। तेरी पैन माता जी। जीते रहो। माता जी ये बताओ पोस्टर कैसे लगे? बेटा इसके असली पोस्टर तो लोगों के दिला में हैं। वो तो दिखी रहा। क्यों क्यों? इन कागज के पोस्टर का के है, आज लागे हैं कल उतर जाएंगे, परसों किसी और के लग जाएंगे, है ना? सत्य बेटा, माफी मांग चुका हूँ, अब तो घर आ जा। आप बातों ने भूल जाते हो, मैं ना भूलता। सतपाल, मैंने भी उस रात को कुछ कहा था, चल तो। जीते रहो बेटा। चलें, चलो। अब तो भूख लगी होगी आप लोगों को, क्यों जी? ना लग रही। सही भूखा रहना है। चल अपने हिस्से का पोस्टर पकड़ पहले। और सुन, लाइक को खीर समझ के मत खा जियो। इसलिए तो इसने पोस्टर पकड़ा रखा है। तो ठीक है भाई, आज से हमारा नेता विजेंद्र राम हुआ। चुनाव जीतने के बाद भूल तो नहीं जाओगे? अरे तय कैसी बात कर रहेगा भाई, शर्मिंदा ना क्या करो उत्तर भाई, भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और सुखदेव जी, आपका कब वादा हो रहा है पूरा? समय आ दीजिए, शिकार ने समय का ज्ञान आप ही ने दिया है। ध्यान तो रहियो, शेर का शिकार है यो, जब थोड़ा सा भी चूक गए ना तो फिर खुद शिकार बन जाओ। अरे तुम तो रहने दो भाई, एक काम तो होता ना तेरे से ढंग से, हैं? भाई साहब रैली में दंगे का पूरा इंतजाम करवा रहा है क्या था? चुप कर बस अब। टाइम कम है, काम ज्यादा है, पैसे भी कम है, कैसे होगा? पता है, इसलिए ये सुरेश की चेन और मेरी कुछ अंगूठियां और ये भज्जी और उन्होंने कुछ पैसे भी इकट्ठे किए थे। ये सब हम और कर लेंगे। मैंने तेरे से कुछ किया था ना? मैं भी आड़ा कुछ कहने खातर बैठा हूँ। ये दरवाजा दिखा है तेरे खातर हमेशा के लिए बंद है, हर तरह सामान नाई की दुकान में धरा है, ठा जरूर लिए। अरे ऐसे कैसे? जय राम जी की। और यो किसने कहने खातर किया? मैं कह रहा हूँ यो राजनीति एक दलदल, इसके अंदर जिसने भी कदम रखा है उसका चरित्र गंदा होना तय है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर चाहते
तो खुद इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इसकी सच्चाई पता थी, और इसीलिए हमने सतपाल चौहान से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। हम लड़वावा है तेने इलेक्शन, राय ले लगाओ ने, लगा रो लगा, ले बोतल पकड़, अरे पीछे, वोट अपनी ये दिए, चल। यो बज्जी ना आया है, टाउन पर भेजा मैंने उसको, कल इलेक्शन है, कुछ भी हो सके, ले आगे। क्यों भाई अतर सिंह तो सारे गांव में पैसे और शराब बटवाता फिर रहा है। बटवान दे के होगा, 10-20 लोग कम ही हो जाएंगे हैं? मैंने अपने लोगों पे और उनको मुझ पे पूरा भरोसा है। चलो फिर मैं अगले गांव तक चक्कर मार के आता हूँ। चल जा। सतपाल भाई, शराब और नोटों में ना बहुत ताकत है, आप कैसे छतरी हो जो आप शराब ही नहीं पीते? ऐसा है, जिन योद्धा क्षत्रियों ने इतिहास बनाया है, शराब पी के नहीं बनाया है। रामचंद्र जी रावण से जीते, शराब पी के नहीं जीते। महाराणा प्रताप ने जंग जीती, शराब पी के नहीं जीती। तू अपनी चाय बना, बकवास करने लग रहा है। नाम देखना माता जी का। हाँ, माता जी कलम दबा के पेठा पालकना चाहिए, ठीक है? माता जी आ जाओ, आप इनको यहाँ से लेके जाओ। नाम देखो आप इसमें, माता जी कलम दबा के पेठा पालकना, ठीक है? ठीक, आइए बहन जी, इनका नाम देखना। आगे आओ, आगे, अरे आगे चलो, आगे आगे। हाँ, कलम दबार पे ही खपा लगाना, ठीक है? अंदर जाके सतपाल ही जितना चाहिए, आगे बढ़ो। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हाँ जी, सारे सुन लो ध्यान से। दूसरे चरण की मतगणना के बाद सतपाल चौहान को 1134 और विजेंदर राम को 1071 मत प्राप्त हुए हैं। करनाल किधर करने दो किशोर, मजदूरों का नेता किसानों की शोर, शराब माफिया बबादो सामान। तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है बेटा, बहुत लड़ना पड़ेगा तने खुद से, पर तू घबराइए ना। अंतिम चरण की मतगणना के बाद स्थिति इस प्रकार है भाइयों, विजेंदर राम 1709 वोट और सतपाल चौहान 1589 वोट। जी कुछ गड़बड़ है, चलो डीसी साहब के पास इसकी रिपोर्ट करते हैं। है चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं आज तक कुछ नहीं होता। तू दिल्ली जाके करेगा के? पैसे कमाऊंगा, मेहनत और ईमानदारी से सिर्फ रोटी कमा पाते हैं लोग। मेरी लड़ाई खुद से है, कल तक नहीं तो कहा था, मैं ये साबित कर दूंगा कि ईमानदारी से भी पैसे कमाए जा सके। इसी के जरूरत आन पड़ गई तने पैसों की? ना, जरूरत नहीं, इसकी ताकत समझ में आ गई है मुझे। इतने बड़े शहर में कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, खाएगा के? तेरा आशीर्वाद है ना मेरे पास, परमात्मा कुछ ना कुछ कर ही देगा। अच्छा तू एक काम कर, मेरी यो पाजेब ले जा, ज्यादा नहीं तो थोड़े दिन का खाना तो तेरा हो ही जाएगा। ना 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 ना, ना। बस यो ही तो बची है तेरे पास, आधे से ज्यादा गहने तूने बचपन में मेरे इलाज पे लगा दिए, बचे कुछ सारे पढ़ाई में,
अब मेरी बारी है। मैं बड़ा हो लिया, इन्हें अपने पैरों में रहने दे। जिस कदम इसकी आवाज आए, समझ लेना मेरी तरक्की हो रही है। अपना ख्याल रखिए, अब मैं चलूं। इब क्या हो गया? यो क्या नया ड्रामा है भाई? इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? जीवन से जंग लड़नी है तो जाना ही पड़ेगा। इब तक तो हम बस अपने ख्यालों से ही लड़ते आए हैं। इतना सब कुछ सोच लिया फिर भी मेरा ख्याल नहीं आया। आया, तुम्हारा ख्याल आया, सबका आया। सारी रात सोचता रहा। उस सोच में मैं तुझे कहीं अलग दिखाई नहीं दी। दिखाई दी, बहुत अलग दिखाई दी। फिर भी अकेला जा रहा है। क्या करूं, यहां से आगे मुझे अकेले ही जाना। तुझे कभी यह एहसास हुआ कि ये लड़की बचपन से ही इस लड़के की इतनी फिक्र क्यों करती है? कभी सोचा? वो भी सोचा, कई बार सोचा, पर तू तो जानती है मैं भगत सिंह की जीवनी पढ़ के बड़ा हूं। इन सब चीजों पे दिल नहीं आया मेरा कभी। अपना ख्याल रखना, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। सरिता ने दिया है। मैं हमेशा तेरी ताकत बनना चाहती थी, आज तुझे रोककर कमजोर नहीं कर सकती।
जानती हूँ तुझे मेरी जरूरत नहीं, पर जहाँ तू जा रहा है वहाँ इन पैसों की पड़ेगी। तुझे मांगने की आदत नहीं, इसलिए सुरेश के हाथों भिजवाया। मना मत करना, पैसे लौटाने के बहाने ही सही, मैं तेरा इंतजार करूँगी। जो बाकी के उसको वापस दे दियो। भाई आ गया तेरा घर, आ जा आ जा। मम्मी। अरे सतपाल बेटा आ गए तुम, कैसे हो? लाओ लाओ सामान मुझे दो। मम्मी देख रही हो इसको, किराए पे कमरा लेने की बात कर रहा है। क्यों भला, जब अपना घर है तो किराए पे क्यों रहना। चलो आओ अंदर। पिंकी देखो सतपाल भैया आए हैं, इनका सामान लेते जाओ। बैठो बेटा। नमस्ते भैया। या पिंकी इतनी बड़ी हो गई। चल बैठो बेटा। अच्छा खाना अभी खाओगे या थोड़ा रुक के खाओगे? ऐसा है जी, मैं तो सब छोड़ के अब यहाँ आया हूँ, कुछ काम मिल जाए तो बहुत। तुम काम की चिंता क्यों करते हो? जब तक कोई काम नहीं मिलता ट्यूशन पढ़ा लिया करो बच्चों को। दिन में मेरे साथ ऑफिस चला कर, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा और ऑफिस में कोई ना कोई तो जुगाड़ हो जाएगा। और क्या, ठीक ही तो कह रहा है। जैसे निग्धू में तुम्हारी माँ है ना, ऐसे ही मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। और क्या, ये ऑफिशियल रिपोर्ट में तो आपकी गली पक्के दिखा रहा है और आप कह रहे हो कि काम ही नहीं हुआ है। ये तो जांच करनी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा। चले जा रहे हो? अरे ओ, अरे भाई साहब रुकिए। अरे रहने दे भाई, आने दे। सतपाल तू यहाँ? आप 10 मिनट बाहर बैठो, मैं बुलाता हूँ आपको। अच्छा जी। आओ हीरो, क्या हाल है? दिल्ली में क्या कर रहा है तू? बस ठीक, बस ऐसे ही। अरे बैठ बैठ, अरे बैठ जा। अरे भाई दो चाय भेजना। और दिल्ली कब आया तू? थोड़े दिन पहले ही आया था, पर आया काम की तलाश में था। काम तो यहाँ जा रहे हैं, तेरा भाई बैठा ही है, तू अभी आया है 2-4 दिन, मन मन मना ले अपना, करना क्या है। वो तो ठीक है मगर
कुछ खाने पीने का मूड हो तो बता दिए। और अशोक जी यार मेरी पेमेंट तो निकलवाओ। अपना दोस्त है सतपाल। और कैसे हो आप? बस। कैसे आना हुआ? कुछ काम ढूंढ रहा था भाई साहब। कुआ और प्यासा साथ साथ बैठे और हम तलाश कर रहे हैं बाहर। इनको लेके आओ ना मेरी साइड पे। कल लेके आ जाओ मेरे पास। पक्का जी। आपका विश्वास जीत गया। ऑपरेशन कामयाब हुआ। शी इज फाइन। मैं मिल सकता हूँ? अभी नहीं, थोड़ा एनेस्थीसिया का असर है। एक दो घंटे बाद आप मिल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तुम रखोगे ना मेरा ख्याल? अब तुम साथ निभाओगे ना?
पास में अगर हो तुझको खुद में छुपा लूं, सारी उम्र ना तेरा किसी को बता दूं। सांसों को रंग लूं तेरे प्यार के इशारों से, समंदर ही मांगूं सारा प्यार के किनारों से, कुर्बान मैं तेरे ढोलना। तक उतनी हो जिंदगी, एक पल के वास्ते भी रहूं ना जुदा कभी। बस तुझी से जाके जुड़ते रास्ते सभी मेरे, बस तेरे ही वास्ते हैं वास्ते सभी मेरे, कुर्बान मैं तेरे ढोलना। सदके सदके तेरे, सदके सदके तेरे, सदके सदके जाना। सजदे सजदे तेनु, सजदे सजदे तेनु, सजदे सजदे पां। सदके सदके तेरे, सदके सदके तेरे, सदके सदके जावा। सजदे सजदे तेनु, सजदे सजदे तेनु, सजदे सजदे पां। सीमा, एक कप चाय और मिलेगी क्या? जी, क्यों आज काम पे नहीं जाना? तुम्हारा ख्याल रखना भी तो काम ही है। अच्छा बहाना है काम पे ना जाने का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो उसको दूध। ऐसा है, मैं थोड़ा वहमी सा हो गया हूँ, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ सा दिया है। बड़े गुंडे माफिया आ गए ना इस लाइन में, अब डर सा लगने लगा। क्यों? पहले मैं अकेला था, अब तुम हो, दीप्ति है। ऐसा है जी, मौत ना कभी किसी को बता के नहीं आती। मैं भी ना मौत के मुंह से निकल के आई हूँ आपके लिए, और मेरे होते हुए आपको कुछ हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जाओ और जाके एक काम करो, मैं हूं ना आपके साथ। इसीलिए कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर नाकामयाब आदमी के पीछे भी ना औरत का ही हाथ होता है। अपने चीफ इंजीनियर साहब तुम्हारे कामों से बहुत खुश रहते हैं, टेंडर तुम्हें ही मिलने वाला है, बस प्राइस का ध्यान रखना। प्राइस तो मैं एक्चुअल के पास ही रखता हूँ, दो पैसे मेरे बन जाए, दो मेरे वर्करों के। ना मुझे चोरी करनी है, ना मुझे चोरी के पैसे कमाने। सही है। सतपाल चौहान कौन है? हाँ बोलो ना, कौन है सतपाल चौहान? हाँ जी भाई साहब, इधर मैं हूं जी, सतपाल चौहान। भाई जी ने बुलाया, नीचे। बड़े आदमी है तुम्हारे भाई साहब, या फिर शरीर से कमजोर है? भाई जी का नाम नहीं सुना क्या? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हनुमान जी हो, जिसे बात करनी है उससे कहो ऊपर आ जाए। राजेश भाई साहब,
तो रोहिणी का टेंडर भरा जा रहा है। तुझे पता नहीं रोहिणी का टेंडर सिर्फ एक ही आदमी के नाम से खुलता है? वक्त तो बदल रहा है तो चीजें तो बदलेंगी। तू या तो बहुत बड़ा मूर्ख है या बहुत ज्यादा श्याणा। मूर्ख आदमी के सामने आके आप ऐसे तो बैठोगे नहीं। बाकी मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? मार दिए जाओगे यहीं के यहीं। ऐसा है जनाब, सतपाल चौहान नाम है मेरा, पृथ्वीराज चौहान के वंशज। बंद आंखों से तीर चलाने वाले आज भी कई होते हैं हमारे यहां, और मेरी आंखें तो भी सही सलामत है। आप ही सोचो क्या होगा। ओ, आप यहां कैसे नेताजी? आपको एक नसीहत देनी थी। शेर तब तक अपने कुनबे में रहता है जब तक मिल बांट के खाता है। साथ रहना है ना तो ये आदत डालनी पड़ेगी, वरना इलाका छोड़ दो। धमकी दे रहे हो? ज्ञान ना ले रहे हो सीख से तो फिर धमकी ही समझो। अगर दोनों ना लें तो फिर जो करना है पुलिस करेगी। मैं तो सिर्फ पेंडिंग केस उठाऊंगा तुम्हारे। एक बात आप भी याद रखें नेताजी, ये जो बब्बर शेर होता है ना, या तो ये खुद मर जाता है या मार देता है, मगर अपना इलाका नहीं छोड़ता। अब देख लो, दोनों ऑप्शन तो पता ही हैं आपको। थैंक यू नीता जी, थैंक यू। अरे तुम यहाँ कैसे? बस पता चला अपना एक दोस्त मुसीबत में तो चले आए। ये बाप ही बताओ, मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? जिंदा तो बोल सकता है। ओए, क्या है? क्या रहे? साथ में हूँ जी। बैठ जाए। हाँ भाई। ना मैं झूठ क्यों बोलूंगा जी आपसे? इसी बात का तो खुलासा करना है। बाकी तेरे तो ईशा के प्रूफ से कि राजेश ने मरते समय भाई जी का नाम लिया था। भाई जी ने 2 महीने पहले TDA ऑफिस में मुझे और राजेश को मारने की धमकी दी थी। पूछ लो जो बैठा है। तूने कई रिपोर्ट लिखवाई है? कोई गवाह? मैं हूँ गवाह। ओए राणदे, तू है नौकरी पेशे वाला आदमी और पुलिस और कोर्ट के चक्करों पड़ के खाली हो जाएगा। बाकी मने ईसा लाग गए से अक राजेश का मर्डर तन्ने करया से और उस बोले बाले भाई जी ने फसाने के चक्कर में हो। आप तो जी जब तक रिपोर्ट ना लिखोगे भाई जी के खिलाफ, मैं शांति से ना बैठूंगा। हम भी यहां शांति दूर करने ताई बैठे छ। चलो आप फिर देख लियो, आज मैं अकेला हूं, कल 100 लोग होंगे मेरे साथ। ओए, ये गिद्दड़ धमकी और किसे ताई दिए? और मेरी अरे गहरा में गिनती मत करिए, जो तेरे बस की है ना वो कर लिए। आ गया चाल के यार, बिना कुछ लिए दिए नहीं लिखेगा एफआईआर। क्यों दूं मैं पैसे? दोस्त मरा है मेरा, इंसाफ चाहिए मुझे। ये ऐसे नहीं मानने वाला। कुछ करता हूँ यार मैं। भाई जी को अरेस्ट करो, 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 भाई जी को अरेस्ट करो। अरे मैं तने श्याणा और समझदार आदमी समझू था, तू तो नेरा बावड़ी तेरेड़ लेकड़िया। गलत फहमी तो मुझे भी कुछ हिस्सी थी आपके बारे में। ले रहे
इसकी गलत फहमी ना आज दूर करे दूं। तेरे घने पर लिख दिया है। जलाब, आज साहब का फोन आ रहा है। फोन उठ बैठ जल्दी आ जाओ। रुकड़े, आऊं सो। भाई जी ना आराम कर। आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो सर? नहीं लगाना। किस आधार पे इनको गिरफ्तार किया है? कसूर क्या है इनका? कसूर नहीं नहीं तो बताओ, कसूर तो बताइए, आखिर बात क्या है? किस आधार पे आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं? भाई कहाँ रह गया था तू? चीफ इंजीनियर साहब कब से वेट कर रहे हैं तेरा यार? सुन, मिल के जाइए। सर आइए। सतपाल आइए। समय से पहले काम खत्म करने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूं सतपाल। अब तुम अपना ध्यान छोटे मोटे कामों से हटाओ, सिर्फ बड़ा काम करो। तुम बड़े कामों के लिए बने हो। समर्थी दी है तो कर पाते हैं, ना देता तो नहीं कर पाते। परमात्मा देता तो सबको है जी, पर हर कोई नहीं कर पाता। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आइए, यहाँ बैठिए। लो भाई, आ गया टाइम। अमन। राम राम जी। राम राम। ये दोस्त हैं भाई अपने, और आश्रम चलाते हैं बेसहारा औरतों के लिए। कैसी औरतों का आश्रम है जी? कुछ तो अनाथ बच्चियां होती हैं, ज्यादातर बेघर हुई तलाकशुदा औरतें। ऐसे आश्रम भी जरूरी है जी आजकल बेसहारा औरतों के लिए। कॉलेज में होते थे तो बहुत कुछ कर पाते थे, अब तो वैसे बोलो क्या क्या कर सकते हैं हम? बस वो एक मिनट। हाँ जी बोलो। शर्मा जी, माफी चाहता हूँ, अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा जी। अगली बार मिलेंगे तो आपका काम जरूर कर दूंगा। आप मिलो जरूर मुझसे एक बार। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। राम राम। सब ठीक तो है ना? मैं आता हूँ। मन सीमा। हाँ जी। ऐसा है, मुझे निकदू जाना पड़ेगा, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ माँ को? वो तो अभी पता नहीं, थोड़े पैसे निकाल दे। हाँ जी लाती हूँ। हाँ जी बोलो। ठीक है वैसे तो, पर कभी कभार वो पेट में मरोड़ सी उठती है, दर्द बहुत होता है उसको। तो मुझे पहला क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास सुनने जानने का वक्त ही कहाँ है बेटा, व्यस्त रहने लग गया ना आजकल। व्यस्त तो मैं हूं, पर अपनों के लिए नहीं। पर तुम मुझसे बात ही कहां करता सत्तू? हर बाप बेटे में नोक झोंक होती है, तूने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। तोड़ने से रिश्ते टूटा करते हैं क्या? सोचों का मतभेद था उस वक्त, फिर वक्त ने हमें दूर कर दिया। वक्त के उसी मजबूरी के कारण एक बार मुंह से बोल नहीं पाया बेटा। लगाव तो वैसे मुझे सब बच्चों से है, पर मेरे सत्तू से ना बहुत सीखा है मैंने तेरे से। और तेरी मां से। किसा छोटे? ठीक है भैया।
दवाई दे देते आता हूँ दोबारा उल्टी तो नहीं देर लगाती बेटा बस 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 पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल साहब, अब दुनिया का कोई डॉक्टर चमत्कार नहीं कर सकता। क्यों? कैंसर, वो भी फोर्थ स्टेज पे। ज्यादा वक्त नहीं है माताजी के पास। डॉक्टर साहब, वो बाहर विदेश में कोई चांस? वैसे ही फजीहत होगी सबको, होना वही है। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जाती तो दुनिया का कोई अमीर आदमी मरता ही नहीं। चीकू किसे दिए? माँ, सॉरी थी के, देख मैं तेरे लिए केला हूं। अंगूर और चीकू ताजे हैं, खा के देख। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये शुगरी फ्रूट इनके लिए जहर है, प्लीज आप इन्हें ऐसे कुछ भी मत खिलाइए। और सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम हैं ना यहाँ। माँ, मैं तेरे लिए थोड़े से अंगूर खरीद लूँ। बेटा, मन तो मेरा भी कर रहा है तेरे लिए थोड़े से अंगूर ले लूँ, पर किराया ना कम पड़ जाए। देखो जगत का खेल, जब जाती तब पीसे नहीं थे, अब पीसे हैं तो मैं खा नहीं सकती। हेलो, अरे वाह, चलाता हूं मैं। तू एक और बच्चे की दादी बन गई है माँ। अच्छा, मेरे पोतों की संख्या बड़ी या पोतियों की? पोतियों की। अच्छा है। ए बेटी, दो अंगूर दियो अपने बेटे को खिलाने। जी माता जी। देख बेटा, लोग कुछ भी कहें, तेरी बेटियां हजारों बेटों को पीछे छोड़ देंगी, याद हाँ। रखना। हाँ माँ, हाँ। We'll be right back.
आज ये दुनिया बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसा गांव छोड़ के जाते वक्त लगा था, घर छोड़ के जाते वक्त लगा था, जब सीमा बीमार थी उस वक्त लगा था। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए सबसे ज्यादा विद्वान थी। कितना ज्ञान उसने मुझे दिया। उसकी उम्मीदें मुझसे ना कुछ और थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। अपनों के लिए तो सभी काम करते हैं। सीमा में दिल्ली से थक गया हूं। कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बिल्डिंग, कब तक? देश को अगर मजबूत करना है तो नींव को मजबूत करना होगा। बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा है जी, ये है तो हमारी पहली कोशिश, पर मैं चाहता हूं कि आप अपना नन्ना मुन्ना पौधा हमारे हवाले करो और हम एक फलदार छायादार पेड़ आपको वापस लुटाने की कोशिश करें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कोशिश खासकर बेटियों के लिए है, और जब तक बेटियाँ नहीं पढ़ेंगी तब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। और वैसे भी जिस तरीके से नारी शक्ति आज विदेशी विचारधाराओं की तरफ जा रही है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे पुरुष में पुरुषत्व जरूरी है, उसी तरह नारी में नारीत्व। और आप सब लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ आइए, हमारा साथ दीजिए, एक नए समाज की रचना कीजिए। धन्यवाद। और फिर इस तरह दिल्ली की चकाचौंध से दूर अपनी कर्मभूमि में लौट आए और सामाजिक कार्यों में जुट गए। लोगों के दुख दर्द में पहले से ज़्यादा समर्पित हो गए तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में अपना पूर्ण योगदान देने लगे। अनाथ व बेसहारा बच्चों के प्यार और ममता के प्रतीक बन गए। Today.